सो हम कंपैरिजन वाले क्वेश्चन देखते हैं. तो यहाँ पे सिक्स प्लेस ए बी सी डी एफ आर टू बी स्टेज ऑन सिक्स डेज ऑफ अ वीक स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे एंड एंडिंग ऑन सैटरडे. तो यहाँ पे प्ले डे स्टेज ऑन ट्यूजडे, ए सी एस स्टेज ऑन अदर डे, स्टेज ऑन वन अनदर आफ्टर. ठीक है ना, सेम ई स्टूड ना स्टेज ऑन मंडे एंड विच प्लेस मंडे एंड वेंसडे, विच प्लेस आर स्टेज मंडे एंड वेंसडे को कौन हुआ. तो इस तरीके से हमारेगा, तो उस पर हमें पूरी वो बनानी पड़ती है, इस तरीके से एक टेबल बनानी पड़ेगी, देन ओनली वी कैन आंसर दिस क्वेश्चन. तो हमें पता है यहाँ पे ए बी सी डी ई है, तो ए बी सी वैसे करेंगे ए बी सी डी ई एफ इस तरीके से. ऑलराइट, सो हम देखते हैं कौन से दिन हो सकते हैं. सो यहाँ पे लिखा है कि आर टू बी स्टेज सिक्स डेज ऑफ वीक, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स. ठीक, ओके. अब स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे, मंडे से स्टार्ट हो रहा है और एंड हो रहा है सैटरडे, तो यहाँ पे मंडे होगा, मंडे कहीं भी हो सकता है. डी स्टेज ऑन ट्यूजडे, तो डी का पता चल गया ट्यूजडे. ठीक है, तो इसका हमें कोई दिक्कत नहीं है. ट्यूजडे ए सी एन एफ स्टेज वन आफ्टर द अदर इन द सेम ऑर्डर, तो ए और सी एफ का एक साथ होता है, ए सी आर एफ का एक साथ होता है. एंड ई इज़ नॉट स्टेज्ड ऑन मंडे और वेंसडे. ओके, तो हमें उल्टा लिखना चाहिए, हमें जो टेबल बनानी चाहिए वो संडे मंडे ट्यूसडे वेंसडे की बनानी चाहिए. तो मंडे संडे मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे एंड सैटरडे इस तरीके से बनानी चाहिए. सो हमें बताया लिखा है कि डी का ट्यूसडे होता है, तो डी आ गया ट्यूसडे पे, और ए सी एफ का वन आफ्टर अनदर होता है, ए सी एफ का वन आफ्टर अनदर होता है. तो हो सकता है ए सी एफ का फ्राइडे सैटरडे मंडे हो जाए, तो ओके ए सी एफ स्टेज ऑन वन आफ्टर अनदर इन द सेम ऑर्डर. प्ले ई नॉट स्टेज ऑन मंडे और वेंसडे, तो ई का मंडे या वेंसडे को नहीं होता है, तो ई का इधर हो सकता है. ओके, अगर इनका टुगेदर आना है तो यहीं आ सकते हैं ना फिर ए सी एफ, क्योंकि मंडे के बाद संडे लग जाएगा, तो ई मंडे या वेंसडे को नहीं होता है. ठीक है, तो ई यहाँ होगा या यहाँ होगा, फ्राइडे सैटरडे. मंडे एंड वेंसडे को कौन से प्ले होते हैं, तो हमारा ए और एफ होता है, आंसर विल बी बी. सो यहाँ पे क्वेश्चन गलत किया है, यहाँ पे थर्सडे नहीं है डी का, डी का ट्यूसडे है, तो यहाँ पे गलत किया. तो यहाँ पे डी का ट्यूसडे है, तो ट्यूसडे है, ये थर्सडे है, संडे मंडे ट्यूसडे है. यहाँ पे ए सी एफ वन आफ्टर अनदर होता है, तो हमारा आंसर अभी देखते क्या आएगा, ये नहीं आएगा. तो यहाँ पे ए सी एफ वन आफ्टर अनदर द सेम, ई डू नॉट स्टेज ऑन मंडे एंड वेंसडे, तो ई का मंडे को नहीं हो सकता, ई का वेंसडे को नहीं हो सकता, तो थर्सडे फ्राइडे सैटरडे ही बचा उसका. तो अगर तीन दिन हमें लगातार करने हैं, तीन दिन, तो हमारा इन्हीं दिन हो सकता है, एक तो तीन, क्योंकि इस दिन ई का नहीं होगा, या इन तीनों दिन हो सकता है हमारा. एंड ई इज़ नॉट स्टेज ऑन मंडे एंड वेंसडे, एंड विच प्ले ऑन द मंडे एंड वेंसडे को फिर किसका होगा, ई का होगा नहीं, ए सी डी का तो एक साथ, ए सी एफ का तो एक साथ होगा, तो ए सी एफ का यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, तो ई का भी नहीं होगा, ए सी एफ का भी नहीं होगा, क्या और बचा, बी बी बचा, बी और ई का हो नहीं सकता है यहाँ पे, तो ई हमारा लास्ट में चला जाएगा, तो ए, तो मंडे एंड वेंसडे को बी और ए का होगा, तो आंसर विल बी ए. सो नेक्स्ट है, अमंग द फाइव आर एनिमल पी क्यू आर एस टी वेट ऑफ द क्यू इज़ फाइव एंड ओके. सो हमारा पी क्यू आर एस टी हम लिख लेते हैं, पी क्यू आर एस टी, अच्छा मतलब वेट ऑफ द क्यू इज़ फाइव, क्यू का वेट फाइव दे रखा है, एंड विच इज़ डबल ऑफ द वेट ऑफ पी, पी के वेट का डबल है, मतलब पी का 2.5 है. द वेट ऑफ एस इज़ हाफ ऑफ द वेट ऑफ टी, तो इसका एक्स है, तो इसका एक्स बाई टू हो गया. वेट ऑफ आर इज़ इक्वल्स टू द रेट ऑफ पी एंड क्यू टेकन टुगेदर, तो आर का इन दोनों के बराबर हो, पी एंड क्यू के, तो इसका कितना हो गया, सो 5 7.5 हो गया आर का. एंड द वेट ऑफ द टी इज़ फोर टाइम्स द वेट ऑफ द आर, तो टी का फोर टाइम्स द वेट ऑफ द आर, तो इसका कितना होगा 7.5 × 4, तो ये हो गया 30 30, और एस का हो गया 15, और द वेट ऑफ एस 15, आंसर विल बी सी. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेवन पीपल विजिटेड अ डॉक्टर फॉर कंसल्टेशन वन आफ्टर अनदर, तो सात लोग जाते हैं, तो यहाँ पे तो हम सात पोजिशन ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7. अच्छा मतलब महेश विजिटेड इमीडिएटली आफ्टर अमित बट सम टाइम बिफोर विराट, सो अमित गया होगा पहले, फिर हाँ फिर महेश गया,
और सम टाइम बिफोर विराट से पहले गया, तो विराट से पहले गया, अमित गया पहले, फिर महेश, फिर विराट, फिर अशोक, फिर स्ट्रीट जस्ट आफ्टर विराट, तो अशोक विराट के बाद गया एंड जस्ट बिफोर नमन. ओके, विराट के बाद गया अशोक, मिस्टेक, जस्ट आफ्टर विराट, और नमन से पहले गया, तो नमन पीछे आ गया, नमन हो गया. नाइदर अनु और नमन वॉज लास्ट टू विद, तो अनुप और नमन लास्ट में नहीं आ सकते, तो मतलब इसके बाद में कोई आएगा, तो अनुप भी नहीं आ सकता, अमन नमन तो आ ही नहीं रहा, नमन के मतलब नमन के नीचे कोई ना कोई है. देर वॉज एज मैनी विजिटर बिटवीन अशोक एंड सूरज एंड बिटवीन अनुप एंड अशोक. सो अनुप एंड अशोक एंड अशोक एंड सूरज, अशोक एंड सूरज जो भी है. ओके, सो अगर हमारा अशोक एंड सूरज कर दें, तो अशोक, ओके, सो हम अशोक लिख दें, अशोक एंड सूरज के बीच में उतने ही लोग हैं जितने अनूप एंड अशोक के बीच में, ठीक है. तो अनूप नीचे नहीं आएगा, अनूप ऊपर आ रहा है. ओके, एंड हु वर द फर्स्ट एंड लास्ट पर्सन टू विजिट अ डॉक्टर रिस्पेक्टिवली, तो अनूप लास्ट नहीं है, तो कौन हो सकता है, तो अशोक के नीचे कितने लोग आ सकते हैं, देखो 1 2 3 4 5 6, तो ऑलरेडी होगा, तो यहाँ पे बोला अशोक के जितने आगे हैं उतने ही पीछे हैं, सूरज लास्ट होगा, अगर अनूप नहीं हो सकता लास्ट, तो अनूप और अशोक के बीच में उतने ही लोग हैं जितने अनूप एंड अशोक के, जितने अशोक एंड सूरज के बीच में. ओके, तो अनूप लास्ट में नहीं है, तो अशोक एंड सूरज, अगर हम सूरज ही बचता है लास्ट में, तो हमारा अनूप कितना आएगा, ये इसके नीचे एक है, महेश के नीचे अनूप आएगा, तो हु वाज़ द फर्स्ट पर्सन, तो अमित फर्स्ट है, लास्ट है सूरज, तो आंसर विल बी डी, अमित फर्स्ट लास्ट सूरज. सो यहाँ पे लिखा है, फाइव पीपल मेक अ स्टेटमेंट अबाउट देयर हाइट्स, ओनली वन ऑफ देम इज लाइंग, सिर्फ एक झूठ बोल रहा है. स्टडी द स्टेटमेंट केयरफुली, आइडेंटिफाई द सेकेंड टॉलेस्ट पर्सन इन द ग्रुप, ओनली वन, इनमें से एक झूठ बोल रहा है, ठीक है. अब इसमें बताया है सेकेंड टॉलेस्ट पर्सन बताना है, तो यहाँ पे आदित्य बोला आई एम टॉलर देन नचिकेत बट आई एम शॉर्टर देन सनिका. सो यहाँ पे सनिका है एंड आदित्य है, एंड ये बोला आई एम टॉलर देन नचिकेत, नचिकेत से बड़ा है, ठीक है. अब ये बोला है आई एम टॉलर देन आदित्य बट शॉर्टर देन सनिका. सो अगर इसका स्टेटमेंट देखे तो ये ऋषिकेश है एंड ये बोला आई एम टॉलर देन आदित्य, आदित्य से बड़ा है, शॉर्टर देन, ओके, सनिका, मतलब सनिका इससे बड़ी है ऋषिकेश से. ओके, लिखा नहीं जा रहा तो यहाँ पे लिखते हैं, तो आदित्य बोल रहा है, तो आदित्य के बीच में रखते हैं, आई एम टॉलर देन नचिकेत, तो नचिकेत से बड़ा है, शॉर्टर है सनिका से, सनिका ऐसे लिख देते हैं. अब ऋषिकेश क्या बोल रहा है, ऋषिकेश बीच में रखते हैं, आई एम टॉलर देन आदित्य, आदित्य से बड़ा है एंड दिस इज शॉर्टर देन सनिका, सनिका से छोटा है. नचिकेत बोला आई एम ऑफ द सेम हाइट एज दैट ऑफ ऋषिका, टॉलर देन निकिता, तो नचिकेत बोल रहा है ऋषिकेश से सेम हाइट है नचिकेत की एंड टॉलर देन निकिता, नचिकेत एंड ये है निकिता, टॉलर देन निकिता, निकिता छोटी है. सैनिक का बोल रही है आई एम द लॉलेस, ओके, तो सनिका बोल रही है आई एम टॉलेस्ट, तो सबसे बड़ी है सनिका एंड नतिका बोल रही है ऋषिकेश से शॉर्टर देन आदित्य, कितना बोले ऋषिकेश इज शॉर्टर आदित्य, आदित्य कहाँ है, तो आदित्य यहाँ आ गया. अब इसमें एक लोग झूठ बोल रहे हैं, तो सनिका इज द टॉलेस्ट, तो ये सही हो गया, सनिका यहाँ पे भी टॉल आ रही है, यहाँ पे भी टॉल आ रही है, तो ये स्टेटमेंट सही हो गया. अब एक स्टेटमेंट बोला है कि ओके एंड यहाँ पे क्या है, आदित्य सनिका से छोटा आ रहा है, यहाँ पे भी छोटा आ रहा है, और नचिकेत यहाँ पे क्या हो रहा है, ये इंसान क्या है, हम ऋषिकेश, ऋषिकेश नचिकेत ऋषिकेश से छोटा है और निकिता से बड़ा है एंड ये क्या है, ये नचिकेत है, तो नचिकेत, ओके, तो इन दोनों को मिलाएं तो ये नचिकेत आदित्य से बड़ा है, तो आदित्य एंड ऋषिकेश, यहाँ पे ऋषिकेश आदित्य से बड़ा है, यहाँ पे आदित्य बड़ा ऋषिकेश से,
तो मैम ऋषिकेश बोला है हमार टॉलर देन आदित्य और शॉर्टर देन सनिका, और एक यहाँ पे ऋषिकेश यहाँ पे आ रहा है, उसने बोला है कि नचिकेत ने बोला है कि आई एम सेम हाइट एज ऋषिकेश मोर देन निकिता, तो यहाँ पे आदित्य नहीं आ रहा। ओके एंड इसने ऋषिकेश इज शॉर्टर देन आदित्य, निकिता बोले ऋषिकेश इज शॉर्टर देन आदित्य, मतलब आदित्य बड़ा है, और यहाँ पे बोला आदित्य अगर ऋषिकेश टॉलर हो जाएगा तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी, ये गलत हो जाएगी, मतलब ऋषिकेश इज शॉर्टर देन आदित्य, मतलब आदित्य बड़ा हो गया ऋषिकेश के, तो ये भी गलत और ये गलत हो जाएगी, और अगर यहाँ पे भी आदित्य बड़ा हो गया। ओके ठीक है, अगर हम देखते हैं ऋषिकेश इज टॉलर देन आदित्य, ओके ऋषिकेश इज टॉलर देन आदित्य, तो ये भी बोला ऋषिकेश इज टॉलर देन आदित्य, लेकिन ऊपर बोला है नचिकेत से बड़ा है ऋषिकेश इज टॉलर देन आदित्य, शॉर्टर देन आदित्य, मतलब ऋषिकेश छोटा है आदित्य बड़ा है, लेकिन ऋषिकेश बोला आई एम टॉलर देन आदित्य एंड ये बोलिए शॉर्टर देन आदित्य, तो हमारा फिफ्थ ईयर सेकेंड में कुछ गलत है। तो हम यहाँ पे देखते हैं जैसे ऋषिकेश, अगर हम ये गलत मान लेते हैं आई एम टॉलर देन आदित्य, ओके अगर हम ये मान लेते हैं कि सेकेंड गलत है, तो ऋषिकेश आदित्य से बड़ा है, तो ऋषिकेश आदित्य से बड़ा है, तो यहाँ पे शॉर्टर देन आदित्य, ओके टॉलर देन आदित्य, तो शॉर्टर अगर देखें तो ऋषिकेश नचिकेत एन आई, और सेकेंड टॉलेस्ट पर्सन फिर आदित्य हो जाएगा अगर हम इसको गलत माने, अगर हम इसको गलत माने तो ऋषिकेश टॉलर है आदित्य से, तो ऋषिकेश आगे आएगा एंड आदित्य पीछे आएगा, और ऋषिकेश से छोटी नचिकेत एंड निकिता। सो हम क्या करेंगे, पहले ऋषिकेश को झूठा मानेंगे, उसका स्टेटमेंट काउंट ही नहीं करेंगे, और निकिता का भी झूठा मान के फिर देखेंगे। तो यहाँ पे ऋषिकेश झूठ बोल रहा है, अगर हम निकाल के देखते हैं, जैसे हम पहले तो ऋषिकेश को झूठा मान क्या बोले सच मान लेते हैं इसको, तो पहले आदित्य बोला हम टॉलर देन नचिकेत और शॉर्टर देन सनिका, तो आदित्य हम टॉलर देन क्या बोलते हैं नचिकेत एंड शॉर्टर देन सनिका, तो ये हो गया। फिर ऋषिकेश का अगर बोले हम टॉलर देन आदित्य बट शॉर्टर देन सनिका, तो यहाँ पे ऋषिकेश बोल रहा है आई एम टॉलर देन आदित्य शॉर्टर देन सनिका, फिर तीसरा स्टेटमेंट आई एम एंड देन जैसे बोला है कि नचिकेत आई एम सेम हाइट ऑफ ऋषिकेश एंड टॉलर देन सनिका, तो ये नचिकेत सेम हाइट है एंड ये बोले टॉलर देन निकिता, तो ऋषिकेश नचिकेत ऋषिकेश की सेम हाइट की है एंड निकिता से टॉलर है, ओके लेकिन ऊपर क्या आ रहा है यहाँ पे आई एम टॉलर देन नचिकेत और नचिकेत और शॉर्टर देन आदित्य, बोला आई एम टॉलर देन नचिकेत एंड शॉर्टर देन, जबकि आदित्य से छोटा है नचिकेत, तो यहाँ पे इसकी स्टेटमेंट तो गलत नहीं हो, इन दोनों में ही गलत हो सकती है, तो इसकी स्टेटमेंट गलत है, बाकी निकिता सही बोल रही है, निकिता से आंसर निकलेगा, तो हम सेकेंड स्टेटमेंट गलत बताएंगे, और सबसे सेकेंड अगर देखें तो 40% है आदित्य,